डिस्ट्रिक्ट बार पंचकुला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार की टाल मटोल की नीति के चलते हरियाणा के किसान एसवाइल के पानी को लेकर मोहताज है। बंटवारे के वक्त पंजाब ने हरियाणा के साथ कई मामलों में भेदभाव किया, बात चाहे सीमा की हो या फिर पानी के बंटवारे की। हरियाणा की 5 नदियों का पानी है, लेकिन एसवाइल के पानी की बात करें तो हरियाणा को आज तक पानी नहीं मिला। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई, बल्कि उल्टा लोगों में यह भ्रम फैलाया कि बादल और देवीलाल के रिश्तों के चलते हरियाणा को पानी नहीं मिल पाया। कांग्रेस और बीजेपी ने एसवाइएल के पानी को लेकर अपने मैनिफेस्टो में कई बार चुनावी वायदे कर चुकी है। अभय चौटाला ने कहा कि 4 मार्च को बार एसोसिएशन के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अब तक अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाकर केंद्र की सरकार से आग्रह किया कि इस नहर को बढ़ा करके हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी दो। हम कोई इसके लिए आंदोलन नहीं चला रहे कि हम किसी का हिस्सा मांग रहे। हमारा बंटवारे के वक्त में हमारे हिस्से जो पानी हमें मिला था वो पानी हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमने 4 चरणों में आंदोलन चलाए और अब हम 1 मई से जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं प्रदेश की जितने हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उन सब में वकीलों को जाकर के उनसे उनका समर्थन हमें इस इशू के मिले, क्योंकि वकील एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर वक्त